बस अपनी एक कोशिश है कि कुछ अच्छी मूवी बनाओ, और ये मूवी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जी रमा राव जी के साथ हम लोगों ने पहली बार काम किया, लेकिन काम करके बहुत ही अच्छा लगा, गाने बहुत ही अच्छे बने, जस्ट गाने ही बने, प्लास्टिक भी बना बाकी है। तो आखिर किस तरह संगीत है इस फिल्म में और कितने गाने होंगे? देखिए, नाम से तो लग रहा है कि हॉरर फिल्म है, लेकिन ये फुल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है। इसके गाने जैसे मैच पर बनाते हैं कि नाम के लिए जिस होता है चाहे कुछ हॉरर टाइप का, ये काम उसमें म्यूजिकल जो लोगों को पसंद है, सारे गाने इसमें अच्छे हैं। छः गाने हैं शायद, छः गाने हैं, पाँच गाने हैं, और खट्टा गाना और अच्छे अच्छे सिंगर हैं इसमें। इसके गीतकार हमारे पास में हैं सबीर सुरवे जी, बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। हिंदी फिल्म है, और हमारी ये भी सौभाग्य की बात है कि हिंदी फिल्मों में हमारा शुरुआत हो रहा है, कई सारी हिंदी फिल्में आ रही हैं। वैसे सारा काम मेरा इसमें का मंत्र का सोनू राव किया है, तो संगीत में जाते हैं कि सोनू राव का ही नाम जाए। तो इसमें आर्या कुमार जी बड़े जोश जुनून से काम कर रहे हैं, और इसमें लीड रोल भी यही रहेंगे, अभी स्मार्ट भी हैं देखने में, इस समय तो नॉर्मल वेस में है। ये काफ़ी अच्छी फिल्म है, और फिल्म का नाम भी जो है रहूमय तेरे गुबल में, काफ़ी अच्छे हैं। और कहानी में कुछ हॉरर का सीन ऐसा है, लेकिन फुल रोमांटिक नहीं भी, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा दिमाग में। ये एडवाइस नहीं हुआ है, इसीलिए कास्टिंग के बारे में कह नहीं सकता कुछ, नाम जान बात चल रही है, लेकिन साथ मुझे बात करना है, लेकिन कोशिश है कि कुछ मार्केट के जो एक्टर लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छी चीज़ काम कर चुके हैं, उसे और ये मूवी एक्चुअली एक रॉक स्टार पे है, और इसके एंडिंग हॉरर है, तो ये म्यूजिकल क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिकल हॉरर कर सकते हैं, बहुत ही हटके स्टोरी इसी तरह मद्देनजर करके लिखा गया है, और मेरे ख्याल से ऑडियंस जब थिएटर के बाहर निकलेंगे तो इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा कि एंजॉय करके निकलेंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस का प्यार हम लोगों को भी मिलेगा, और पिछले के लिए ऐसा काम करता रहूँगा। खुशी तो इतनी है कि क्या बताऊँ मैं आपको, और इसके गाने जो हमने किए हैं, अभी हमारे आर्यन जी की डिमांड थी कि मतलब हर गाना जो लिखा जाए तो उस सिचुएशन में लिखा जाए, तो हमने सिचुएशन को देखते हुए स्टोरी पढ़ने के बाद में इसको किस तरीके का गाना देना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, और लोगों को सॉन्ग सुनने के बाद ऐसा लगे कि हाँ हमने कोई सॉन्ग सुना है, और इसको मतलब यानी कि हमने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही लगन से इसको इसके सारे गाने बनाए हैं। बस मैं मेरी शुभकामनाएं। Thank you all the time.